सरकार का सबको शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत समस्त शासकीय व अर्ध शासकीय अथवा निजी स्कूलों में कोटे के अंतर्गत 25% दाखिला देने का प्रावधान है, परंतु एक निजी स्कूल के में आरटीई एक्ट योजना के अंतर्गत स्कूलों में एडमिशन लिए हुए बच्चों के अभिभावकों ने जो शिकायत में सामने आई है, वही स्कूलों द्वारा आरटीई एक्ट के बच्चों से एडमिशन लेकर पढ़ने वाले बच्चों से स्कूल जो वसूली कर रहा है वो सरासर गलत है और नियमों की अवहेलना की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाही करने की बात भी कही है। अब आरटीई के तहत जो निजी संस्थाएं हमारी होती हैं, उनकी जो इनिशियल क्लास है, जो प्राथमिक कक्षा उनकी होती है, उस कक्षा की कुल संख्या के आधार पर 25% विद्यार्थियों को जो वंचित समूह के हैं, जो गरीब वर्ग के हैं, उनको जो है प्रवेश जो लॉटरी के माध्यम से दिया जाता है। अब ये मामला कल मेरे संज्ञान में आया है, तो मैंने बीआरसी कटनी जो गौतम है उसको बोला है मैंने कि आप जा करके अगर किसा जो है इसकी जांच करें और सारे पक्षों से क्या स्थिति है वो जान करके उनसे सारे साक्ष्य एकत्रित करके और अपना प्रतिवेदन दें। हमारे जो बच्चा है वो धैर्य तोमर के नाम से है, जो कि बेलवेदर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रहा है क्लास वन में, जो कि 17,800 रुपये फीस ली जा रही है और वो मेरे से नहीं ली जा रही, जितने भी राइट टू एजुकेशन के तहत जितने भी बच्चे वहाँ पे एडमिटेड हैं सभी से पैसा लिया जा रहा है, टोटल सबसे इतनी फीस और एक्टिविटीज़ के नाम से जो पैसा लिया जाता है 1,000 रुपये 500 रुपये वो अलग चीज़ है और 17,800 तो देना ही देना है।